जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा आईपीएल 2023 का, जो कि दोस्तों ये मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा फ्रेंड्स। जिसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारे से कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। मुंबई इंडियंस से ईशान किशन, रोहित शर्मा जो कि कप्तान है दोस्तों मुंबई इंडियंस के, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, निहाल वदेरा, कुमार कार्तिकेया, अर्जुन तेंदुलकर, रिली मैंड्रीस, पीयूष चावला एंड जैसन बैंड्रॉप। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर जो कि संजू सैमसन जो कि कप्तान है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के, देवदत्त पड़िकल, सिमरन नेटमायर, ध्रुव जुरेल जो कि दोस्तों पिछले मैच में उन्होंने अच्छे दोस्तों रन बनाए थे, आर अश्विन, जेसन ओल्डर, एडम जैम्पा, संदीप शर्मा एंड युजवेंद्र चहल। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 30 अप्रैल संडे को शाम को 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया में खेला जाएगा फ्रेंड्स। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच फायदेमंद रहने वाली है। अभी तक टोटल यहाँ 9 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने 4 मुकाबले जीते हैं, बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों 5 मुकाबले जीते हैं। जो एवरेज इसको रहा है इस पिच का वो दोस्तों 185 रहा है फ्रेंड्स। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ मुंबई का, जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा एंड 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करता हूँ फ्रेंड्स वानखेड़े स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, दोस्तों टोटल मैच 9 खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने 4 मुकाबले जीते हैं, बॉलिंग पहले करने वालों ने 5 मुकाबले जीते हैं। परसेंटेज की बात करूं बैटिंग फर्स्ट बॉन 44% एंड बॉलिंग फर्स्ट बॉन 55%। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आया दोस्तों वो 185 रहा है एंड सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर आया दोस्तों वो 174 आया है। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो 243 विकेट के साथ रहा है एंड लोवेस्ट टोटल 160 रन 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट चेज जो स्कोर हुआ है दोस्तों वो 230 8 विकेट के साथ हुआ है, लोवेस्ट वेंडेड 143 6 विकेट के साथ। बात करता हूँ नेक्स्ट फ्रेंड गिब्बे की, तो बता दूँ दोस्तों इस मैच में 50,000 रुपये का फ्री गिब्बे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 5,000 रुपये का एंड सेकेंड रैंक लाते हो आपको 2,000 रुपये का एंड थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 1,000 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों बता दूँ राजस्थान रॉयल्स जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बने फ्रेंड्स। बात करूँ अपनी ड्रीम 11 टीम की, तो मैंने अपनी ड्रीम 11 टीम में ये खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं, जॉस बटलर, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, कैमरन ग्रीन, पीयूष चावला, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट एंड जैसन वनड्रॉप। दोस्तों ये आप खिलाड़ी देख सकते हो जो कि मैंने अपनी ड्रीम 11 टीम में सिलेक्ट किए हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूं तो कप्तान मैंने जॉस बटलर को बनाया है एंड वाइस कप्तान दोस्तों मैंने सूर्य कुमार यादव को अपनी फैंटेसी टीम में बनाया है फ्रेंड्स। बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की, आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन। आज का टॉस है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स टॉस जीत सकती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। मैच एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कैमरन ग्रीन को आप एज अ स्मॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड पीयूष चावला को एज अ ग्रैंड लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज अ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की, तो दोस्तों मुंबई इंडियंस 14 मुकाबला जीता है, राजस्थान रॉयल्स 12 मुकाबला जीता है। पॉइंट टेबल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो राजस्थान रॉयल्स जो कि 8 मैच खेला है दूसरे स्थान पर है दोस्तों, 8 में से 5 मुकाबले जीता है और 3 मुकाबले में इनको हार का सामना करना पड़ा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस की, जो कि 9वें स्थान पर है, 7 मुकाबले में से 3 मुकाबला दोस्तों जीता है एंड 4 मुकाबले में इनको हार का सामना करना पड़ा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करूं फैंटेसी टिप्स की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं क्योंकि विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे आप, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर शेयर करिए। विकेट कीपर में ईशान किशन, जॉस बटलर, संजू सैमसन तीनों आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। पिच कंफर्टेबल रहने वाली है पेसर्स और स्पिनर्स के लिए दोस्तों। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ दोस्तों
तो राजस्थान रॉयल्स ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ मुंबई इंडियंस टीम से, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं और राजस्थान रॉयल्स की अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि दोस्तों मुंबई इंडियंस के हैं, ईशान किशन, रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, पीयूष चावला एंड जेसन वेंड्रॉप। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि मुंबई इंडियंस के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर से रख सकते हो। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि राजस्थान रॉयल्स के हैं जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर से रख करिए दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जो कि दोस्तों पिछले मैच में इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए था, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पाडिकल, सिमरन एटमायर, रविचंद्र अश्विन एंड योजवेंद्र चहल। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि राजस्थान रॉयल्स के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक मुंबई इंडियंस की ओर से रहे हैं, ईशान किशन, रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन जो कि दोस्तों अभी तक इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है था IPL सीजन में, सूर्य कुमार यादव एंड टिम डेविड। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि मुंबई इंडियंस के बेस्ट परफॉर्मर हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक राजस्थान रॉयल्स की ओर से हैं, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पाडिकल एंड सिमरन एटमायर। दोस्तों अभी बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि राजस्थान रॉयल्स के बेस्ट परफॉर्मर हैं। नेक्स्ट एंड बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो इसकी, तो दोस्तों ईशान किशन को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ओनली टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे जो कि अभी तक एज अ 315 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं। रोहित शर्मा जो कि दोस्तों अभी तक 281 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आप इनको एज इस बॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। कैमरन ग्रीन जो कि अभी तक 421 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में एज अ वाइस कैप्टन इस ग्रैंड लीग में आप सेलेक्ट कर सकते हो। जॉस बटलर जो कि अभी तक 470 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। संजू सैमसन जो कि अभी तक दोस्तों 386 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग में इनको एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इंजर्ड की बात करूँ दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। दोस्तों आपके लिए ऐसे ही और फैंटेसी टीम प्रेक्षा लाता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।